जो फ्लाइट है ये एयर इंडिया की फ्लाइट है। यहाँ पे ऐसी सीट्स रहती है, तीन इस तरफ रहती है, तीन इस तरफ रहती है। यही पे रियल वाली फिश भी है, कितना सुंदर लग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी विस्तारा की फ्लाइट है ये, इंडिगो की है, 6C128, 3:05। फाउंटेन भी है जो कि अंदर है, ऊपर से पानी आ रहा है। हैंड बैग का जो वेट होता है वो 7 kg तक अलाउड है, लगेज होता है वो 15 kg तक पर पर्सन अलाउड रहता है। जो इंटीरियर है यहाँ पे किया गया है वो इतना सुंदर है। कौन से फ्लाइट के मेंबर्स बोर्ड कर रहे हैं? जो आपको दिख रहा है ये है पूरा बादल, दिस इज मुंबई फ्रॉम टॉप। ऊपर से देख सकते हो आप मुंबई कैसी लग रही, इतनी छोटी छोटी सब बिल्डिंग्स दिख रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ वापस रायपुर, और मैं जा रही हूँ मुंबई टू रायपुर फ्लाइट में। तो मैंने सोचा है कि ये जो जर्नी है ये मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रेवल करेंगे तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इवन अगर आप मुंबई से ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज अभी मैं ट्रेवल करूंगी मुंबई टू रायपुर। सो मुंबई का पूरा एयरपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या दिखाना रहता है, हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। सो अभी हो चुकी हूँ मैं पूरी रेडी और बैग वैग लेके हो चुकी हूँ तैयार। अभी फिलहाल चलते हैं होटल में चेकआउट करते हैं, उसके बाद कैब बुक करते हैं। तो ये है लॉबी। तो ये था फिलहाल मेरा रूम नंबर, फिलहाल ये जो है ये है होटल का लॉबी। अभी फिलहाल हम चलते हैं एयरपोर्ट। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कैब से, ओला से, टैक्सी से, ट्रेन से और बस से भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं कैब बुक करके जा रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाह रही हूँ। अगर आप लोकल से जाना चाह रहे हैं तो भी जा सकते हैं। लोकल से अगर आप जाएंगे तो नियरेस्ट जो लोकल स्टेशन है वो है विले पार्ले, तो वहां तक आप चल जाएंगे। वहां से हार्डली 5-6 kilometers का डिस्टेंस रहता है। वहां पे आपको ऑटो कैब वाले मिल जाएंगे जो आपको ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल मैंने होटल से चेकआउट कर दिया और मैं जो होटल में रह रही थी वो है 7 Apple Hotel, और मैंने कैब बुक कर दी। मेरी कैब जस्ट आ रही है तो मैं अभी कैब में बैठूंगी। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है मुंबई में, तो हो सकता है कि मुझे 1 घंटे लग जाए या 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड्स कि कितना ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये आ चुकी है फिलहाल मेरी कैब। इस तरफ से आ रहे थे क्या? एक्चुअली वहाँ पे काम चालू है ना। हाँ वहाँ पे पानी है। कल मैं बैठ चुकी हूँ कैब में और मैंने कैब बुक कर लिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। अगर मैं लोकल से जाती तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और थोड़ा टाइम पहले ही चेकिंग करना रहता है, बिकॉज बहुत सारी चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेकिंग। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं, मतलब एंटर कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से चेकिंग होने लग जाती है एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए, तो जो टैक्सी है उनको चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टर्मिनल 2 में, बिकॉज मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट से जाना है तो इसलिए मैं आई हूँ। सो ये ऐसा टाइप का आपको ट्रॉली मिलेगा, यहाँ पे ऐसे रखा रहता है, तो आपको ट्रॉली लेना है, उसके बाद चल के आना है। ये जो है ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे आपको टैक्सी या कैब ऑटो सब ड्रॉप करती है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट नंबर दिखते हैं, तो आप देख सकते हो गेट नंबर 1, 2 और 3 लाइन से बहुत सारे गेट नंबर है। और यहाँ पे ऐसा ट्रॉली है, आप आओगे तो सबसे पहले आपको ट्रॉली लेना है, फिर उसके बाद आपको गेट नंबर से एंट्री करनी है, आपको अपना टिकट दिखाना है, आईडी कार्ड दिखाना है, चेक करेंगे उसके बाद एंट्री होगी। यहाँ पे ऐसा स्क्रीन लिखा रहता है गेट नंबर 3 के सामने, कौन से फ्लाइट के मेंबर्स बोर्ड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुझे इंडिगो में जाना है तो मैं गेट नंबर 4 में जाऊंगी। मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंडिया का 2nd largest बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, तो जब कभी भी आपकी फ्लाइट रहे आपको 2-3 घंटे पहले आना है, बिकॉज चेक ही टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी आ चुकी हूँ कि जस्ट सामने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू है और इंडियन फ्लैग है, और इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा एंड यूनिक है। इसके अलावा ये है गेट नंबर 6, अभी फिलहाल हमको गेट नंबर 6 से एंटर करना है, बिकॉज ये जो है ये यहाँ से इंडिगो एंड एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स हैं वो एंट्री कर रहे हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ से एंट्री करनी रहती है, यहाँ पे आपको अपनी आईडी कार्ड शो करना रहता है और दिखाना रहता है टिकट, उसके बाद एंट्री करनी रहती है। अभी मैंने मेरा टिकट और आईडी कार्ड दिखा के चेक इन कर लिया है। जब आप एंट्री करते हो तो उस टाइम पे आपको अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड दिखाना रहता है और टिकट दिखाना है, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। और जितना ही ज़्यादा अच्छा जो एयरपोर्ट है वो बाहर से है, उससे भी ज़्यादा अच्छा जो एयरपोर्ट है वो अंदर से है, क्योंकि मुंबई का एयरपोर्ट है। चेक इन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट करना है, लैगेज एंट्री कराना है, और यहाँ पे ऐसा स्क्रीन में डिस्प्ले होता रहता है जहाँ पे हर एक चीज़ दिखाती रहती है। मेरी जो फ्लाइट है वो इंडिगो की है, 6E128, 3:05 पे रायपुर पे, जो कि काउंटर नंबर M14 पे इसका चेक इन जो है लैगेज को वो हो रहा है। यहाँ से फिलहाल अभी मैंने एंट्री किया है, इसके बाजू में ही और भी बहुत सारे शॉप्स है, दुकान है, और इस तरफ कुछ कुछ खाने वाने के ऑप्शन है। यहाँ से सेल्फ चेक इन है, अगर आपको वेब चेक इन करना है तो यहाँ से आप खुद से भी कर सकते हो। आपको अपना लगेज जो है वो ड्रॉप करना रहता है, लगेज चेक इन करना रहता है, और इंडिगो के काउंटर इस तरफ भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड है इंडिगो के काउंटर्स। तो जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो तो आप दो ही बैग कैरी कर सकते हो, एक लगेज होता है, एक हैंड बैग होता है। हैंड बैग का जो वेट होता है वो 7 kg तक अलाउड है, और जो लगेज होता है वो 15 kg तक पर पर्सन अलाउड रहता है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। लगेज को आप सबमिट कर देते हो, वो अपने आप आता है, हैंड बैग आपको अपने साथ लेके जाना रहता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर प्लांट्स है पूरे एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे वॉच है, और ये जो है ये है सिटिंग अरेंजमेंट, आप बैठ सकते हो। सो जब भी आप अपना लगेज ड्रॉप कर देते हो उसके बाद आपका ये जो हैंड बैग रहता है, इसके लिए आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना पड़ता है। सो अभी फिलहाल मिल चुका है मुझे मेरा बोर्डिंग पास, तो इसमें आपको डेट लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है, कौन से नंबर पे जाना है और कौन सी सीट है वो भी लिखा रहता है। इसमें लिखा रहता है कि आपको गेट में कौन से जाना है, मुझे जाना है 40B, और ये जो फ्लाइट है उसका नंबर लिखा रहता है, जोन और सीट जो है वो भी लिखा रहता है। यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन बना रहता है कि किस तरफ इंटरनेशनल डिपार्चर है डोमेस्टिक एंड टॉयलेट्स के लिए, और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा इस तरफ वॉशरूम है, और ये पूरा डिज़ाइन है। अभी फिलहाल यहाँ से स्ट्रेट जाना है हमको सिक्योरिटी चेक इन के लिए। यहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना रहता है, उसके बाद आपको एंट्री करनी रहती है। यहाँ से गेट ओपन होगा, फिर आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे जो है ये है सिक्योरिटी चेक इन होगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें फ्लाइट में लेके जाना अलाउड नहीं रहता है, तो वो आपको नहीं लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लेके जाना अलाउड नहीं है, तो सबको आपको निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी सिक्योरिटी चेक इन हो जाती है, आपको डोमेस्टिक गेट और इंटरनेशनल गेट अलग अलग जाना पड़ता है। तो ये जो है ये डोमेस्टिक गेट के लिए है। अभी फिलहाल हम यहाँ से एंट्री करेंगे, डोमेस्टिक पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा अपना दिखाना है, फिर ये गेट ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से जाना है ग्रीन होने के बाद। और देखो प्लांट्स कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे लगे हुए हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, और सिक्योरिटी चेकिंग में आपके बहुत सारे सामान की चेकिंग होती है, आपका पावर बैंक, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, हर एक चीज आपको निकाल के रखना पड़ता है। इवन अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड है तो वो भी, और बहुत सारी जो नुकीली चीजें होती है वो तो बिल्कुल भी यहाँ अलाउड होती नहीं है, तो वो सब चीज निकालना पड़ता है, निकाल के दिखाना पड़ता है एक एक चीज। उसके बाद आपके हैंड बैग की को एंट्री मिलती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो बेटर आप पहले आओगे तो अच्छा रहे। सो अभी मैं यहाँ से एलिवेटर से चल चल के नीचे जा रही हूँ, और नीचे देख सकते हो कितना सुंदर इंडोर गार्डन है, बहुत सुंदर लग रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ पे रियल वाली फिश भी है, और ये इंडोर का पूरा गार्डन है, अंदर पे है एयरपोर्ट के, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हो। यहाँ से फिलहाल अभी हम एंट्री कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर गार्डन है। इस तरफ वॉशरूम है, और इस तरफ जो है वो सारे डोमेस्टिक गेट्स हैं, तो आपको डोमेस्टिक गेट्स के लिए यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। इधर पे बहुत सुंदर सा गार्डन है जहाँ पे सब लोग फोटोज क्लिक करा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है आई लव मुंबई। इस तरफ जो है ये एक फाउंटेन भी है जो कि अंदर है, ऊपर से पानी आ रहा है, मस्त यहाँ पे ग्रीनरी है, इतना सुंदर लग रहा है। तो एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है, और काफ़ी कुछ होता है एयरपोर्ट के अंदर। हमको लगता है कि ओनली फ्लाइट्स आती ही जाती है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। कौन सी फ्लाइट्स है, कहाँ से कहाँ पे जाने वाली है, फ्लाइट नंबर क्या है, गेट पे है क्या है, और अभी क्या है स्टेटस, मतलब कि बोर्डिंग हो रहा है, गेट क्लोज हो गया कि ऑन टाइम पे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे शो करता है। और गेट नंबर 40 किधर पे है ये भी आपको यहाँ पे बताता है। और जैसे ही हम अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखते हैं, बहुत सारे आपको शॉप्स दिखती है, अलग अलग ब्रांड के लेंस कार्ड्स के भी शॉप्स हैं, और यहाँ पे वाईफाई भी रहता है,
और यहाँ पे इतने मस्त अच्छे अच्छे सिटिंग स्पेस है कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और आपको शॉपिंग वॉपिंग करना है तो कर सकते हो। जिसमें लिखा रहता है कि कौन से गेट नंबर पे आपको कितना टाइम लगेगा और कहाँ पे कौन सा गेट नंबर है वो भी। अभी फिलहाल मुझे जाना है गेट नंबर 40 पे, तो जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से मुझे 11 मिनट लगेगा गेट नंबर 40 पे पहुँचने के लिए। जो इंटीरियर है यहाँ पे किया गया है वो इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है। ऊपर जो है वो सारे फ्लावर्स हैं और बीच बीच में लाइट्स लगी हुई है, भी काफी सुंदर। इंडोर तो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए है। इधर पे स्ट्रीट फूड बाय पंजाब ग्रिल, तो ये बार है आई थिंक। तो मैं अभी फिलहाल शॉपिंग मॉल में हूँ या एयरपोर्ट में, मुझे इसी बात का कंफ्यूजन है क्योंकि पूरे यहाँ पे इतने सारे दुकान है, इतने सारे शॉप्स है। यहाँ पे हल्दीराम का भी दुकान है, इस साइड देख सकते हो, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से स्टैचूज है, ये देख सकते हो। लिखा रहता है कि आपको टर्न कहाँ गया, अभी गेट नंबर 40 के लिए इस तरह डायरेक्शन में जाना है। लोग यहाँ बैठ के भी वेट करते रहते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हो। स्टारबक्स भी है यहाँ पे, मस्त आप आपसे कॉफी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ये मेंशन हुआ है कि ये एक्चुअली में है क्या, द आर्ट बीट ऑफ न्यू इंडिया, एंड इसको आप देखोगे तो ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऊपर तक है फिलहाल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उतना मैं आपके पास दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर है। ये बैटरी कार्स भी चलती है जो आपको आपके डायरेक्शन में गेट नंबर तक पहुँचा देती है। सो अगर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो फ्लाइट की टिकट आप बुक कर सकते हो, किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो या तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू आप फ्लाइट्स की टिकट्स बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, ईज माई ट्रिप और ये सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन टिकट्स जो होती है वो बुक हो जाती है। ये है सिटिंग अरेंजमेंट और पूरा जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे वॉकिंग एक्सीलेटर भी है, अगर आपको ऐसा पैदल नहीं चलना है तो आप इस पे चल के आ सकते हो, स्पीडली पहुँच सकते हो, आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर सकते हो। यहाँ से अभी फ्लाइट्स दिख रही है, ये जो फ्लाइट है ये एयर इंडिया की फ्लाइट है और उधर पे जो है वो इंडिगो की है। अभी फिलहाल मुझे इंडिगो से बोर्ड करना है। एयरपोर्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन है, इधर पर देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो है ये है गेट नंबर 43, अभी मुझे गेट नंबर 40 पे जाना है तो थोड़ा और आगे जाना है। इतने यूनिक यूनिक आर्ट एंड डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, सिटिंग ऑफ द गॉड्स, तो ये भगवान जी को बैठाने वाली पालकी है, प्लीज़ डू नॉट टच, इसको टच नहीं करना। इतना मस्त यूनिक डिज़ाइन वाला सोफ़ा है, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और प्लांट्स तो इतने सारे हैं अंदर, पूरे एयरपोर्ट के अंदर आपको प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे। तो अगर आप फ्लाइट में जाते हो तो आपको जो आपका टाइमिंग है उससे 2-3 घंटे पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो आपका जो सिक्योरिटी चेक इन होगा, वेब चेक इन होगा, उस समय आपको टाइम लगेगा और जो बोर्डिंग होती है वो टाइम से 40 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाती है, तो लोगों को बोर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और ऑन टाइम जो फ्लाइट होती है वो निकल जाती है। सो बेटर होगा कि आप जल्दी आएंगे तो ईजी रहेगा। ये जो फिलहाल है ये देख सकते हो पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया भी एयरपोर्ट का इतना ब्यूटीफुल है, वैसे तो ये पर्सनल है बट कितना अच्छा इसको ग्रीनरी के जैसे मेंटेन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। पे डस्टबिन भी है, इसको अच्छे इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ड्राई वेस्ट यानी सूखा कचरा और उसमें क्या क्या आता है उसको आपको उसमें डालना है, वेट वेस्ट यानी ओला कचरा उसको किस में आपको डालना है, इतने अच्छे तरीके से डस्टबिन बना है। फिलहाल अभी मैं चल चल के पहुंच चुकी हूँ गेट नंबर 40 एंड गेट नंबर 40 से मेरी जो फ्लाइट है वो बोर्ड होगी, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं रायपुर जाने के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। सो रायपुर की जो फ्लाइट है वो मेरी मुंबई से डायरेक्ट है, तो कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स नहीं है, दैट मीन्स मुझे चेंज नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर रायपुर पहुंच जाऊंगी। अभी 3 बजे से है, 5 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। जब भी आप मुंबई के एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो आप ऊपर वाली जो ब्रिज है वहां से एंटर करते हो, वहीं से मैंने भी एंटर किया था। काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके रखा गया है एयरपोर्ट को, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये जो नल लगा हुआ है ये पानी पीने के लिए है, ये देख सकते हो उसमें लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, और इसको पीने के लिए ये नीचे जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे, ऐसा 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 प्रेस करोगे तो पानी आएगा, फिर आप पानी पी सकते हो। फिलहाल मैं आपको एयरपोर्ट का वॉशरूम दिखा देती हूँ, इधर है फीमेल्स इधर है मेल, यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पूरा वाइट कलर का है। यहाँ पे मैं खुद हूँ और ये वाला जो है ये पानी के लिए, जब आप ऐसे टच करोगे तो इधर पर पानी आ जाएगा, और ये सोप के लिए है, इधर पे करोगे तो सोप भी ऑटोमेटिकली आएगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ऐसे वॉश कर सकते हो।
फैन ड्रायर है देख सकते हो ये वाला, इसको आपको टच नहीं करना है, आप ऐसे ही करेंगे। पे काफी बड़ा मिरर है जिसमें आप पूरा अपने आप को देख भी सकते हो और अपनी फोटो भी क्लिक करा सकते हो। और ये वॉशरूम का पार्ट है, वॉशरूम में है। स्मोकिंग रूम भी है इस तरफ। ये सब अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं गेट नंबर 40 के सामने। और ये सारे जो बोर्ड करने वाले हैं वो रायपुर के लिए ही हैं। फिलहाल मैं जस्ट बैठी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ, अभी जस्ट बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, फिर उसके बाद बोर्डिंग करेंगे। वहाँ पे भी आपका बोर्डिंग पास जो है वो चेक होता है, उसके बाद ही आपको अलाउ करते हैं एंटर। तो आपको लास्ट तक अपना बोर्डिंग पास अपने पास ही रखना है। अभी जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो फाइनली बोर्डिंग कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम चल चल के जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में। और ऐसा ट्रैक का ट्रैक बना रहता है जिसमें आपको चल के जाना रहता है। वैसे हम नीचे नहीं उतरे, कभी कभी नीचे भी लेके जाते हैं और फिर बस में बैठा के आपको आपकी फ्लाइट तक ड्रॉप करते हैं अगर नीचे रहता है तो। और अगर ऊपर रहता है तो आप डायरेक्टली ऐसा ट्रैक बना रहता है, वहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। सेपरेट है ये गेट नंबर 40B से। यहाँ से ग्लास लगा रहता है जिससे आप आराम से फ्लाइट को देख सकते हो। सी विस्तारा की फ्लाइट है ये। अभी फिलहाल मैं फ्लाइट में एंट्री कर चुकी हूँ और मुझे मेरा सीट नंबर देना है, उसके बाद बैठना है। यहाँ पे ऐसी सीट्स रहती है, तीन इस तरफ रहती है, तीन इस तरफ रहती है, ये एक्सल साइज की रहती है। ऊपर जो है वो बैग रखने के लिए है, तो आप अपना जो लगेज हैंड बैग लेके आए हो वो आप यहाँ पे रखोगे। और उसके बाद ये सीट नंबर यहाँ पे लिखा है 15, 16CBA, 17CBA करके ऐसा सीट नंबर लिखा रहता है। और ए जो है वो विंडो साइड सीट रहती है। अभी फिलहाल मैं मेरी सीट में बैठ चुकी हूँ और ये वाली जो है ये मेरी सीट है, यहाँ पे विंडो है। तो ये वाला जो विंडो है ये आप ऐसा ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। आपको ऐसा सीट बेल्ट मिलता है तो आपको ये सीट बेल्ट लगा के बैठना रहता है। और ये सीट है, ये यहाँ से विंडो है, यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है, देख सकते हो बाहर पे जो फ्लाइट्स है विस्तारा की, एयर इंडिया की फ्लाइट्स वो दिख रही है। और काफ़ी लोग जो है वो अभी फ़िलहाल बैठ चुके हैं। ऐसा ट्रे है, ऐसा करके ओपन करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख के खाना खा सकते हो। ऊपर जो है ये पूरी लाइट्स रहती है, यहाँ पे आपको एसी ऑन एंड ऑफ करने के लिए रहता है। फ्लाइट में आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको कैसे द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। एग्जिट कैन आल्सो बी बिहाइंड यू। द एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम विल गाइड यू टू द नियरेस्ट एग्जिट इन अ। सो दिस इज मुंबई फ्रॉम टॉप। ऊपर से देख सकते हो आप मुंबई कैसी लग रही, इतनी छोटी छोटी सब बिल्डिंग्स दिख रही है, आसमानों में बादल में चढ़ रहे हैं। और अभी जो हमारी फ्लाइट है ये बादल के भी ऊपर चली जाएगी। हमारी जो फ्लाइट है वो ऊपर चल रही है, बादलों में चल रही है। हमारी फ्लाइट है वो बादलों के ऊपर चल रही है, बादल पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया था साबूदाना खिचड़ी, तो वो अभी आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको इसको खाना है। ये पहले से प्री कुक्ड रहता है, प्रिपेयर रहता है, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। खिचड़ी रेडी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है दिखने में भी। अभी खा के देखते हैं कि इसका एक्चुअल में टेस्ट कैसे है। और वैसे भी इसमें बॉइलिंग वाटर डाले तो ये बन गया है, 8 मिनट बाद मैंने ओपन किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये है पूरा बादल, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये बादल। सो अभी हम लैंड कर रहे हैं रायपुर में। तो अभी फाइनली लैंड कर चुके हैं रायपुर में और अभी बजे शाम के 5। सो जो आपने लगेज बैग वहाँ जमा कराया रहता है वो लगेज बैग जो होता है वो इस बेल्ट में मिलता है, तो आपको यहाँ से कलेक्ट करना रहता है। और वो आपको फ्लाइट में ही बता देते हैं कि कौन से बेल्ट से आपको आपका जो लगेज है वो मिलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से अभी हम बाहर निकल रहे हैं और ये जो है ये है रायपुर का एयरपोर्ट। सो अभी मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ रायपुर